सॉरी आप मुझे कुछ पैसे दे पाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आई एम सॉरी ग्रेस। ये क्या है? मैं समझ चुका हूँ कि मैं जिसके साथ हूँ वो दुनिया की सबसे अमेजिंग लड़की है। आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? नहीं। पर तुम ना क्यों कह रही हो? हम दोनों तो साथ रहना चाहते थे ना। हाँ, पर मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जिसके पास मेरे लिए वक्त ही ना हो। सॉरी। चाहो तो रख लो इसे। मैं जानती थी कि मुझे उन्हें वो अंगूठी लौटानी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि जल्दी वो यही अंगूठी मुझे पहनाएंगे। मेरा नाम क्लोई है और ये है मेरी लव स्टोरी। थैंक यू। रुकिए, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस ये अंगूठी उन्हें लौटानी है। फिर उन्हीं के साथ धूमधाम से शादी भी कर लेता अपने कूड़ेदान में। आप ही उन्हें ये अंगूठी दे दीजिए। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं लेगा, खास करके हमारे सर। सर, आपने मुझे गलती से अंगूठी दे दी। मुझे ये नहीं चाहिए, थैंक यू। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? देखो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कैसा लगता है जब सरेआम कोई तुम्हारी इज्जत उतारे, तुम्हें रिजेक्ट करे। अच्छा, पर मैं ये समझती हूँ, मुझे एक दिन में सैकड़ों बार रिजेक्ट किया जाता है जब मैं तुम जैसे बिजनेसमैन से पैसा या खाना मांगती हूँ। I'm sorry, देखो मेरा मतलब वो मुझे भीख मांगने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं अपना घर बेचकर अपनी बीमार माँ की जान बचाना चाहती थी, पर कम से कम मैं लड़ी अपनी माँ के लिए। पर तुम तो अपने प्यार के लिए लड़ना तक नहीं चाहते। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनसे मैंने अपना दुख खुलकर बांटा। पता नहीं क्या, पर उस एक पल में कुछ तो हुआ हमारे बीच, मानो जैसे हमें कुछ साथ ले आया हो। रुको, तुम कुछ खाना चाहोगी? रास्पबेरी या पीच? दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया तो कुछ भी चलेगा। ओह, बहुत अच्छा है, मैं ये मिस कर रही थी। अब तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है तो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। कुछ और खाना चाहोगी? सच में? हाँ, कहीं रहने के लिए चाहो तो थोड़े पैसे ले लो और ढंग के कपड़े भी ले लेना प्लीज। एक मिनट रुको, लो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझसे नजरें नहीं फेरी। ये हुई ना बात, अब ठीक है। बल्कि मेरी मदद की और मैं बस उन्हें गले से लगा लेना चाहती थी। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। डिलन, तुम बहुत अच्छे हो, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरे बॉस के साथ। अब मैं समझा वो मुझे हमेशा बिजी क्यों रखता था। मैं कितना बेवकूफ था। ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। जाहिर है उसे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे सामने एक खुददार इंसान था जिसका दिल तोड़ दिया गया था और वो हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं देख सकती थी कि उन्हें मदद की जरूरत थी। पता है क्या, वक्त आ गया है कि वो लड़की जाने कि उसने क्या गवाया है। क्या? मुझे कुछ चीजें चाहिए। अपनी एक्स की एक ड्रेस दीजिए, मुझे नहाना है, और डिनर के लिए टेबल बुक कीजिए।
वाह, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा, जिस लड़की से मैं सुबह मिला था तुम वही हो। मैं अजीब लग रही हूं, है ना? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने सोचा वो ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे, पर मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं और देखते ही देखते हमारे बीच कुछ बदलने लगा। सॉरी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है। डिलन। ओह ग्रेस, मिस्टर सिमंस, कैसे हैं आप सर? हम बस काम की थोड़ी बातें कर रहे थे। देखिए मिस्टर सिमंस, काम की बातें जाने देते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स बोर हो जाएंगी खामखा। हाँ, चलो डांस करें। हाँ, जैसा तुम चाहोगे। ये कौन है? ओह आई एम सॉरी, तुम्हें तो इनसे मिलाया ही नहीं। ये है मेरी नई दोस्त क्लोई, और क्लोई क्या ये इसने मेरी ड्रेस पहनी है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए अभी खरीदी है। तो ऑफिशियली ये तुम्हारी नहीं है, सॉरी। ओह क्या बात है, लव मुझे दो। थैंक यू वेरी मच। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? डांस करें। वो हमें गुस्से से देख रही थी और हम डांस करने लगे। हम हंस रहे थे, कॉकटेल्स पी रहे थे, और देखते ही देखते हम दोनों कुछ ऐसा फील करने लगे जिसे बयान करना मुश्किल था। उनसे मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा मतलब इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? वैसे 2 साल पहले मैं मिस स्प्रिंगफील्ड बनी थी, बैक टू बैक 2 सालों तक। वाह। नहीं, पर मेरा सवाल था, तुमने मुझ पर यह जादू कैसे किया? मैं कुछ समझी नहीं, और तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी एक्स की तरफ देख तक नहीं रहे थे, उनकी आंखें सिर्फ मुझ पर ही थी। काश ये शाम कभी खत्म ना हो। क्लोए, पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, पर डिलन, I'm sorry Grace, पर फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूं। मजाक मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या जो हुआ उसके बाद भी कुछ कहना है? बस करो डिलन, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो अब ऐसे बिहेव मत करो। मैं जानती हूं तुम मुझे अभी भी चाहते हो। I'm sorry, मैं बस एक मिनट में आया, come on। मुझे होश आ गया था, मेरे और उस दगाबाज ग्रेस के बीच। जाहिर है वो उसे ही चुनेंगे, मुझ जैसी लड़की डिलन की बराबरी कभी कर ही नहीं पाती, और मेरे कल में अब बस उनकी यादें थी और सड़क पर ठंडी रातें थी। क्या 200 काफी होंगे? क्या कहा? क्या तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचानूंगा नहीं जो रास्ते पर भीख मांग रही थी? मैं वो नहीं हूं। नहीं, वो तुम ही हो। औकात के बाहर हाथ मार रही थी, कितना लोगी बोल? मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख, हर चीज की कीमत होती है, क्रिस की भी थी जो डिलन से शादी कर रही थी, तुम्हारी भी होगी। और कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। मेरी जान, तू बस तेरी कीमत बता। मिस्टर सिमंस, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, ये अपने आप को बेच रही है। डिलन, हाथ मत लगाओ। तेरी नौकरी गई, तू भी अब सड़कों पर बैठकर इस भिखारन के साथ भीख मांगना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू। तुम भिखारी नहीं हो, बल्कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। डिलन, पता नहीं तुमने ये कैसे कर दिया, और यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूं, पर
बस आधे दिन में ही मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। डिलन, मैं वही लड़की हूँ जो सुबह तुमसे भीख मांग रही थी। नहीं 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 नहीं, तुम वो लड़की हो जो अब मेरी दोस्त है और जिसके पास अब रहने के लिए घर है। और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक बॉयफ्रेंड भी। डिलन, अब मैं समझा कि मैंने ये अंगूठी क्यों खरीदी थी। और ऐसे मैं अपने होने वाले पति से मिली और मुझे एहसास हुआ कि सभी को हक है प्यार करने का, बस जरूरी है उसके लिए लड़ना।